भारतीय बुलेट ट्रेन में अब एक बड़ा डिजाइन चेंज होने वाला है और इसी के ऊपर हाल ही में अभी काफी बड़ी खबर आ चुकी है। दरअसल भारत ने फाइनली अपना जितना भी रिपोर्ट था वो सबमिट कर दिया है टू जापानीज ऑफिशियल्स फॉर डिजाइन चेंज रिक्वायरमेंट्स एज पर इंडियन कंडीशंस। बिकॉज इसी मंथ के दौरान हमें रोलिंग स्टॉक का टेंडर भी फ्लोट करना है, ऐसे में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमें चाहिए, क्या क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, सारी सेटिस्फाई होने के लिए ये रिपोर्ट सबमिट की गई है। मीनवाइल एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, 105 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेलवे ट्रैक 6300 मेट्रिक टन्स के ये जापान की तरफ से भारत में भेज दिए गए हैं, हमें रिसीव भी हो चुके हैं एट हजीरा पोर्ट। ओवरऑल ये पूरा एग्रीगेट लेंथ ऑफ 352 किलोमीटर एज पर कॉन्ट्रैक्ट। खैर ये तो जापान से मंगाए, लेकिन मशीनरीज लाइक मोटर कार, फिर स्लैब लेइंग कार, रेल फीडर कार, ये सब भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मैन्युफैक्चर करके सीधा ट्रांसपोर्ट साइट पर भेजा गया है और ये सब हाल ही में NHSRCL के प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताया गया है। करंटली यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी सर्वे स्टडी की जारी है फॉर जो भी हमें डिजाइन चेंजेस रिक्वायर्ड है E5 शिंकानसेन सीरीज की जापान में जो दौड़ाई जाती है, तो उनमें वो सब चेंज करके भारत में भेजे जाएंगे। बस अब बहुत डिले हो गया और डिले ना होने पाए इसे सुनिश्चित करने के लिए जापान की तरफ से भी जायका भारतीय NHSRCL के साथ लगातार यहाँ पर रिव्यू करती जा रही है प्रोग्रेस का। इनफैक्ट रिसेंटली पिछले महीने ही 21 अप्रैल को एक स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई थी टू एक्सपेडाइट दिस वर्क। फर्दर महाराष्ट्र में भी किस तेजी से हमारे सेक्शंस, रोलिंग स्टॉक और सिस्टम्स ये सब पर ध्यान दिया जाए सो दैट प्रोजेक्ट और तेजी से एक्सपेडाइट हो सके, इस पर भी लगातार डिसीजन लिए जा रहे हैं बिटवीन जायका एंड NHSRCL। ओवरऑल ऑलरेडी हमारी बुलेट ट्रेन 5 साल तो डिले हो गई है, लेकिन अब जो तय डेडलाइन है उसमें से भी थोड़ा सा पीछे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो टारगेट सेट किया था 35% का, तो करंट प्रोग्रेस है 32.15%, थोड़ा सा शॉर्टफॉल है, लेकिन लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सो दैट इसे अब जल्द ही 2026 तक लॉन्च किया जा सके। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है अपनी डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।